दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे बैटरी रिक्शाओं पर परिवहन विभाग की सख्ताई जल्द शुरू हो सकती है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा ने विशेष आयुक्त के धैया से ई रिक्शा और परिवहन के अन्य मुद्दों पर बैठक की। साथ ही टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने जिन मुद्दों को बैठक में उठाया उन सभी पर विशेष आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग में ऑपरेशन डीसी व संबंधित एमएलओ को एक्शन के आदेश भी दे दिए हैं। आपको बता दें जिन मुद्दों पर चर्चा के बाद मिनट्स तैयार किए गए एक्शन के आदेश दिए गए हैं उनमें उन बैटरी रिक्शाओं पर तुरंत कार्रवाई करना जिनकी लाइफ 5 साल पूरी हो चुकी है, क्योंकि नियम के मुताबिक बैटरी रिक्शाओं की लाइफ 5 साल ही है। इस पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन और इन्फोर्समेंट के डीसी व सभी एमएलओ को एक्शन लेने के निर्देश भी दे दिए गए। वहीं दूसरे मुद्दे में बैटरी रिक्शा के उन एप्लीकेंट व मालिकों पर एक्शन लेने की बात कही गई है जिन्होंने अभी तक परमानेंट लाइसेंस नहीं लिया है और बगैर प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस के ही वह बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। इस मामले पर एक्शन के लिए डीसी ऑपरेशन और सभी एमएलओ को एक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरे मुद्दे को उठाते हुए कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों पर बैटरी रिक्शा की एक भारी संख्या बगैर फिटनेस और इंश्योरेंस के ही चल रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मुद्दे को विशेष आयुक्त द्वारा इन्फोर्समेंट के डीसी को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर चल रहे भारी मात्रा में बैटरी रिक्शाओं को मेंटेन करने के लिए ऑटो की तरह डीएल दिया जाए, इस मामले को भी इन्फोर्समेंट व ऑपरेशन के डीसी सहित सभी एमएलओ को सौंपा गया है। वहीं अन्य मुद्दों में कहा गया है कि एक अन्य पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि कई बार SBI पेमेंट गेटवे से पेमेंट तकनीकी व सर्वर डाउन के कारण नहीं हो पाती है। वहीं अंतिम मुद्दे में कहा गया है कि जनता की सेवा के लिए ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएं जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा कराया जा सके, क्योंकि बाहर साइबर कैफे इसके लिए काफी चार्ज करते हैं। इस मामले पर एक्शन के लिए भी ऑपरेशन विभाग के डीसी और एमएलओ को कहा गया है। कुल मिलाकर टोलवा ने परिवहन विभाग के मुद्दों को उठाया है, वहीं बैटरी रिक्शा की मनमानी और सड़कों पर उनके द्वारा आतंक बरपाने के खिलाफ भी मुद्दा उठाया है। अब विभाग जितनी जल्दी इन मुद्दों को हल करता है उतनी ही जल्दी जनता को राहत मिलेगी। न्यूज ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली।